एक बहुत प्रसिद्ध महिला थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष यान जब ऊपर जाता है ना, तो आप पृथ्वी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तगड़ा है। उसे छोड़ने के लिए आपका पलायन वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तगड़ी स्पीड होनी चाहिए। जब हम इस स्पीड से जाते हैं तो हमारे बाहर का टेम्परेचर 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वापस आने समय भी टेम्परेचर कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, मर जाएगा, और ना ही जहाज बर्दाश्त कर सकते हैं सब। तो इसलिए उन जो अंतरिक्ष में जाते हैं शटल, उसके बाहर एक सेरेमिक टाइल्स लगाया जाता है। सेरेमिक टाइल्स ऐसा पदार्थ था जिसको आप हथौड़ी से ऐसे मारिएगा ना तो टूट जाएगा, मतलब बढ़िया से हथौड़ी से मार, टाइल्स जैसा कमजोर होता है, टूट जाएगा। लेकिन उसको कितनों गर्म कर दीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबकी अलग अलग खासियत, कोई मजबूत होता है तो कोई हीट को बर्दाश्त कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो सेरेमिक टाइल्स मजबूत नहीं होता है लेकिन हीट को क्या कर देगा? रोक देगा। 3000 को जो 5000 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो भगा देगा कि निकल यहां से, हीट देता है आपको, भगा देता है यहां पे। तो सेरेमिक टाइल्स की लेयर लगाई जाती है किसी भी अंतरिक्ष शटल पे जो बाहर जाता है। जब वो उड़ान भर रहा था ना, तो दिक्कत समझिए क्या आती है सैटेलाइट्स में, ये कोई रॉकेट हो गया यहां पे, इसके बाहर हम क्या लगाएंगे? सेरेमिक टाइल। ये लगा दिया सेरेमिक टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स इसको किससे बचा लेगा? हीट। लेकिन इसके अंदर जो फ्यूल भरा रहता है ना, वो -256 -183 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इतने कम टेम्परेचर पे रखना होता है। तो इस कम टेम्परेचर को आप भरते हैं तो वो टेम्परेचर जब गर्म हो जाएगा तो फ्यूल क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। इसलिए -256 डिग्री पे रखा जाता है, -256। हालांकि सबसे माइनस जा सकते हैं -273। अब इसको रखने के लिए फिर इसके ऊपर एक अलग से परत लगाई जाती है जो इंसुलेटर का काम करती है, उष्मा को बाहर जाने नहीं देती। लेकिन जैसे रॉकेट उड़ता है ना, ये परत क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इंसुलेटर की परत बाहर से हट जाती है। तो जब कल्पना चावला का रॉकेट उड़ा था ना, तो ये सेरेमिक टाइल्स था, जब ये हट रहा था ना यहां से, तो ये ऊपर का टुकड़ा गिर गया, नीचे के सेरेमिक टाइल्स को तोड़ दिया थोड़ा सा। जाने के टाइम पे ना सेरेमिक टाइल कमजोर होता है, जाने के टाइम पे ही जब उड़ा था, अब रॉकेट उड़ते देखिएगा उसमें से कुछ कुछ चीजें अलग होती रहती है। तो वो क्या होता है, लेयर लगा दिया ताकि धूप ना लगे उस पे, गर्मी धूप ना लगे वहां पे, समझा गया? तो जब उड़ा रॉकेट ना, तो सेरेमिक टाइल जब नीचे गिरा तो टूट दिया सेरेमिक टाइल। निकलने के टाइम पे चूंकि रॉकेट धीरे 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 जाता है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता है, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। लौटने के टाइम पर जैसे री एंट्री हुआ, पूरा बेहतरीन ढंग से हो गया। जब पृथ्वी दिखने लगी, अब दिखने लगा कि अब हम पृथ्वी में एंट्री कर रहे हैं, बहिर्मंडल पार हो गया, आयन मंडल में जैसे प्रवेश किए, टेम्परेचर बढ़ने लगा, 3000 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये लोग टेंशन फ्री थे कि सेरेमिक टाइल झेल ले गया, पूरा सेरेमिक टाइल्स झेल ले गया। यहां का सेरेमिक टाइल्स नहीं था, मारा यहां से अंदर से 3000 डिग्री सेल्सियस, और जैसे अंदर घुसा पूरा तबाह मचा दिया। वहां पर अंग के टुकड़े, हाथ पैर ऐसे गिर रहा था वैज्ञानिक, पूरी तरह से रद्द हो गया। कोलंबिया मिशन था इसका, अमेरिका के फ्लोरिडा से था, यहाँ पे नासा का ध्वस्त हो गया एक छोटी सी गलती से। बाद में इसको रिसर्च करने में 6 महीना लग गया कि आखिर गलती हुई कहां से थी। तब दिखा गया लास्ट में वीडियो फुटेज, तब दिखा गया कि एक सेरेमिक टाइल्स क्या हो गया था। तो जीवन में कभी आप जितनी भी बड़ी घटनाओं को देखिए, वो एक छोटी सी भूल से हुई है। लोग छोटे भूल को ध्यान नहीं देते हैं और बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कभी भी बड़ा गलती नहीं हो